और आपको सीधे ले चलते हैं, इस वक्त दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश की है, ऐसा ही एक सिलसिला अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली की मंत्री आतिशी जी ने 2 अप्रैल को किया। आतिशी जी ने बहुत आगे बढ़ के ये तक कह दिया कि मेरे कुछ नजदीकी लोगों से मेरे को अप्रोच किया है। ये सब आपको पहले ही मालूम है कि हमने उसके तुरंत बाद 2 अप्रैल को ही उन्हें एक लीगल नोटिस, हमारे एडवोकेट हैं यहाँ मंच पर विराजमान है सत्य रंजन जी स्वयं, उन्होंने एक नोटिस हमारी तरफ से आतिशी जी को दिया। उन्होंने एक रीजनेबल टाइम में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम इस मामले को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में लेकर के गए, क्राउज एवेन्यू कोर्ट में। वहां यह सिलसिला चलता रहा लगभग 1 महीने तक, 1.25 महीने तक। और उसके बाद आज हमारे सारे बयानों, कागज सबमिशन, दवाइयों, वकील की जह कि क्यों ये केस एडमिट होना चाहिए, जिसमें हमारे एडवोकेट अमित तिवारी जी ने और सुमेंदु मुखर्जी जी ने बहुत अच्छी जगह हमारी ओर से 2-3 तारीखों में की। और उस सब के बाद आज वो दिन आया जब पहली बार हमने आतिशी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम ये कह सकते हैं अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा 29 जून को। इस सारे का क्या लीगल मामला है वो आपके समक्ष हमारे वकील भी रखेंगे, मगर उससे पहले हमारी वकील और हमारी प्रदेश की मंत्री बहन बासुरी स्वराज जी आपको विस्तार से सारा केस समझाएंगी कि कैसे ये केस बना और कैसे इसको हम आगे लेके जाएंगे। इससे पहले कि वो बोले, मैं बस 1 मिनट के लिए अनुरोध करूंगा हमारी महामंत्री कमलजीत सहरावत जी से कि वो हमारी पार्टी का इसको लेकर के राजनीतिक संदेश दें। आप सबको याद होगा सन 2015 में अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले हाथ में चूड़ी पहनाने वाली हमारी बहन कमलजीत सहरावत थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ट्रेन से पंजाब जा रहे थे, तब कमलजीत जी ने हिम्मत करके 8-10 महिलाओं के साथ उन्हें चूड़ियां पहनाई थी। दिल्ली की उस वक्त की स्थिति को लेकर के मैं कमलजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वह एक पल में अपनी बात रख के राजनीतिक और बासुरी जी को कानूनी सारा इसका मामला रखने दें। नमस्कार साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी श्री परवीन शंकर कपूर जी, हमारे सह मीडिया प्रभारी विक्रम मित्तल जी, मेरी छोटी बहन बांसुरी जी और हमारी पार्टी की तरफ से लीगल एस्पेक्ट हैंडल करने वाले मेरे दोनों छोटे भाई, और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। पुरानी आदत है ये आम आदमी पार्टी की, कुछ भी कहना और फिर भाग जाना, लेकिन कहने से पहले सोचने की आदत उन्हें डालनी होगी। अभी तक इतनी माफ़ी वो मांग चुके हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि किसी बात का क्या मतलब हो सकता है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भाई परवीन शंकर कपूर जी का कि इन्होंने इस मैटर की ग्रेविटी को जनता के बीच ले जाने के लिए, हालांकि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए कि किस तरह की पार्टी है, क्या इनका चाल है, क्या इनकी चरित्र है और किस तरह से ये बातों का मजाक बनाकर दिल्ली की जनता का मजाक बना रहे हैं। तो आदरणीय, आज सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इनको आज 29 जून के लिए सम्मन किया है, और अब जब ये जवाब देंगे तो इन्हें पूरी बात बतानी होगी। हमें हालांकि आज भी ये पता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता भी इस बात को दूध का दूध, पानी का पानी होते देखेंगी। तो मैं परवीन शंकर कपूर जी का और अपनी लीगल टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मैटर को कोर्ट में आज एडमिट कराया है और नेक्स्ट डेट मिली है। और बाकी मेरी आगे की बातचीत के लिए मेरी छोटी बहन बांसुरी सरराज जी अपनी बात रखेंगे। इस संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनकी दी हुई हिम्मत से ये केस हमने फाइल किया है, उनका एक वीडियो संदेश आप लोगों को पहले ही मिल चुका है।
आदरणीय बड़ी बहन कमलजीत सहरावत जी, बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, बड़े भाई विक्रम मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उम्दा, फॉर्मिडेबल और केपेबल लीगल टीम, जिसके मेरे दो साथी यहाँ बैठे हैं, शुमेंदु भाई और सत्या भाई और अमित भाई, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन जिन्होंने इस मुकदमे की बहुत ही सुदृढ़ तरीके से जिरह करी है। आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है शूट एंड स्कूट। इनको लगता है ये किसी भी असत्य का सहारा लेंगे और उसके किसी भी प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। कुछ भी मनगढ़ंत जनता को भ्रमित करने के लिए ये कह देंगे और उसके कोई भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के वरदहस्त से मेरे बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी ने ये मुकदमा दायर करा और आज माननीय ACMM राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को समन करा है 29 तारीख के लिए। ये ऑर्डर मेरे समक्ष है और इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगी। ये पहली बार नहीं है जब झूठ का सहारा आम आदमी पार्टी ने लिया है। कुछ तारीखें भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी। January 27, 2024 को एक पहला ट्वीट आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, उसको माननीय मंत्री आतिशी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से रिपोस्ट भी करा और पार्टी ने भी किया। उसके संदर्भ में पैराग्राफ नंबर 16 में ऑनरेबल कोर्ट ऑब्जर्व करती है, इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस कोर्ट आर स्क्वेयरली इलस्ट्रेशन ऑफ डेफोमेट्री कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। इसका क्या अर्थ है? वो ये कह रही है कि कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात आती है तो ये स्क्वेयरली डेफोमेट्री यानी मानहानि का मुकदमा इसमें बनता है। 27 जनवरी को जब उन्होंने ये मानहानि जैसी एक स्टेटमेंट या एक ट्वीट उन्होंने करा, उसके बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 30 जनवरी 2024 को ही एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी। मेरे मीडिया के बंधुओं को याद होगा कि जब पुलिस गई थी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दरवाजा खटखटाने और माननीय मंत्री आतिशी जी का भी दरवाजा खटखटाने, तो दोनों ने पुलिस के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। दिल्ली भाजपा ने चैलेंज करा था कि यदि आप ऑपरेशन लोटस, जो आप इतनी कैलस तरीके से बोलते रहिए, नाम दीजिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पुलिस के सामने आए, ना माननीय मंत्री आतिशी जी आए। उसके बाद इन्होंने अनेका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लेकिन एक बार भी नाम उजागर नहीं करे। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को माननीय मंत्री आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर इन्होंने दोबारा ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के भाजपा पे लगाया। और तब बड़े भाई आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी ने हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के वरदहस्त से ये डेफोमेशन कंप्लेंट फाइल करी है। पैराग्राफ नंबर 18 में इस पूरे के पूरे दूसरे ट्वीट का और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लिया है, लेकिन मैं आपके समक्ष पैराग्राफ नंबर 25 पढ़ना चाहूंगी। ये कंक्लूजन है। इट प्राइमा फेसी अपीयर्स दैट द अलेज्ड अक्यूज्ड नंबर 1 यानी आतिशी मारलेना जी हैज मेड स्पेसिफिक डेफामेटरी स्टेटमेंट्स एज अफोरमेंशन्ड अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। फर्दर इट प्राइमा फेसी अपीयर्स that the aforesaid defamatory statements driver ko kyun maara। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर और विशेष तौर पर दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है।